बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अभी मुंबई मीडिया से, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र से बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं तो सबसे पहले एज ए प्रोड्यूसर आई वॉन्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच दिस मूवी बिकॉज एज आवर एंकर सेड दैट अनटोल्ड हिस्ट्री, अनटोल्ड हिस्ट्री के पीछे कितने तकलीफें उठाए हैं उस जमाने के हैदराबाद प्रोविंस के लोग, वो आज का पूरा तेलंगाना है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। सो कोई राजा अपना इतिहास में, मतलब जब से मानव पैदा हुआ उस जमाने से लेके आज तक, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट और कोई राजा महाराजा कोई भी, या कोई यू कैन से इवन द वर्स्ट गाय आल्सो हैज नॉट इन्फ्लिक्टेड इंजुरीज विच कैन नॉट बी क्यूर्ड एट एनी टाइम, कोई किसी से भी धोए तो, इवन इफ यू वॉश विद यू नो नेक्टर, दोज सिंस कैन नॉट बी वॉश्ड, दोज वर द सिंस कमिटेड बाय द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली पाशा एंड हिज प्राइवेट आर्मी कॉल्ड रजा का। 76 साल हुए ये सब हादसे होके, ये हादसा नहीं बोलते, ये मेहम बोल सकते हैं, जेनोसाइड बोल सकते हैं, जहां पे उस राजा ने वो उसका गद्दी को संभालने के लिए उसको हैदराबाद निकाल के उसको तुर्किस्तान बना के पाकिस्तान के साथ जोड़ने का जो सपने देखा, वो सपने के वजह से सब लोगों को, हिंदू मेजॉरिटी हिंदू को इस्लाम में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, जो भी कन्वर्ट नहीं हुए उनको मार दिया गया, औरत को रेप कर दिया गया और उनके प्रॉपर्टी को भी सीज जब्त करा दिया गया। इतने सारे हादसे हुए, सो क्यों नहीं निकाले आज तक, क्यों नहीं निकाले? डेलिकेट मैटर है, डेलिकेट मैटर चंद लोगों के लिए होगा, लाख के लिए होगा, करोड़ के लिए होगा, लेकिन इस भारत का बच्चा है गुडूर नारायण रेड्डी के लिए डेलिकेट नहीं है। क्या बात, ये मैं कर्तव्य समझ के मैं इस सिनेमा को प्रोड्यूस किया, क्योंकि इतिहास को सामने, लोगों के सामने लेके आना है, फिर ऐसे इतने मतलब कुछ भी कितना भी बुरा नाम दे इन रजाकारों को, वो नाम सबसे वर्स्ट नेम इन द यूनिवर्स आने वाले दिनों में या कई सौ दिनों में वो दे सकते तो दे सकते, क्योंकि ऐसे फिर पैदा नहीं होना, ऐसा जो भी ग्रुप या वट एवर इट इज यू कैन से, ये फिर ऐसा इस देश में पैदा नहीं होना, ताकि अपने बच्चे अपने पोते पोतियां जो भी है आने वाले पीढ़ियां शांति से जी सके। क्योंकि एक तरफ से बोलते हैं अपन गंगा जमुना तहजीब से जियेंगे, जरूर जियेंगे हम, बहुत जितने भी लोग इस देश में हैं 142 करोड़ लोग, सब गंगा जमुना तहजीब से जियेंगे, सब हम भारत माता के बच्चे पहले, उसके बाद में बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। जो भी आदमी इस धरती पे पैदा होता, भारत मेरा माता है, वंदे मातरम बोलना जिम्मेदारी है मेरी, मेरी फर्ज है बोल के जब समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यही मैसेज मैं लोगों को देना चाह, क्योंकि आज का जमाने का जो है 142 करोड़ का पॉपुलेशन में, इसमें कम से कम 100 करोड़ पॉपुलेशन अपना देश में है, उसके लिए यंगेस्ट कंट्री इन द यूनिवर्स बोलते हैं, वो 18 साल से 35 साल से उम्र में है, वो 100 करोड़ लोग, उनको जानकारी लाने का जिम्मेदारी मुझे लॉर्ड बालाजी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं उनका दर्शन करने के लिए जिस दिन 27 जनवरी 2022 के दिन मैं गया था, वहीं पे मुझे ये इंट्यूशन वेरी स्ट्रांगली आया, जैसा ही वो फ्लाइट लैंड होते मैं, आप पूछेंगे ऐसा एकदम ऐसा आते ही होता क्या? नहीं, तेलंगाना में जो हाथ जितने भी मेहम जितने भी हिंसात्मक घटनाएं हुए हैं 176 साल पहले, वो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, देखते हुए आ रहे, वी कैन सी द यू नो डिलैपिडेटेड बुर्ज, डिलैपिडेटेड बंगलोस और ब्लास्टेड ब्रिजेस एंड ब्लास्टेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, ये पूरे चीज हम बचपन से देखते हुए आ रहे। तो एक दिन था वो 27 जनवरी 2022 के दिन, स्ट्रांगली मैं दर्शन के लिए गए, उस टाइम पे जो दिमाग में आया उस सेकंड से आज तक इसी सब्जेक्ट पे है, क्योंकि भारत में जितने भी है मेजॉरिटी लोगों को ये सिनेमा बताना है कैसा भी, और देखने के लिए मैं आपके ही जरिया मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको जितना प्रचार कर सके, जितने लोगों के पास में लेके जा सकते लेके जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने जैसे कहा, एक छोटा सा सवाल, आपने कहा आपने इसको अपना कर्तव्य समझा, लेकिन जब आपने इच्छा जताई होगी दैट यू वांट टू मेक दिस फिल्म, यू वांट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, उस वक्त क्वेश्चंस उठे थे? बिकॉज जैसा मैंने कहा, बस बहुत है, एट द सेम टाइम नॉइज भी बहुत है सर।
तो ये सिनेमा जैसा ही हम कंसीव किए नाम और स्टोरीज वी स्टार्टेड शूटिंग वी हैव नेवर डिक्लेयर्ड बिकॉज़ यू नो अगेन इट इज अ डेलिकेट मैटर सो बिकॉज़ वी आर लिविंग इन सच अ प्लेस एंड वेयर मेजॉरिटी ऑफ अपने भाइयां अलग अलग मजहब के लोग हैं हम किसी को भी दिल में मतलब दर्द या तकलीफ नहीं पहुंचाना अरे क्या करें क्या करें वी वांट टू गिव इट एज अ सरप्राइज बट जैसा ही इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिया रिलीज लीक हुआ गवर्नमेंट को क्योंकि एक दो लोग हमारे भी जो बाहर थोड़ा मैसेज बाहर गया तो वो जो सत्ते में थे हमारा एक गंदा प्राइम चीफ मिनिस्टर था KCR बोल के सबसे वो भी रजाकार का बच्चा है तो रजाकार का लिविंग पर्सन है वो उसके लिए उसको लोगों ने उसको भिजा दिया उसके जिंदगी में और अभी कभी कुछ भी नहीं बन सकता जो भी है वो और उससे डाउन ही होता उन्होंने ये रोकने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने जाके यही मीर उस्मान अली पाशा के मकबरे पे माथा टेक किया जो पापी है भगवान के या कोई सूफी के या दरगाह पे अपन माथा टेक के आते या भगवानों को या पिताजी माताजी दादा परदादाओं को अपन माथा टेकते लेकिन इसका मकबरे पे वो आके माथा टेक के कर रहा था और वो भी कुछ कम नहीं है और वर्स्ट रजाकार है वो KCR एंड कंपनी एंड दिस पार्टी उसके लिए दे हैव बीन डंप्ड नाउ थैंक यू सर फॉर शेयरिंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल टू अस एवरी काइंड ऑफ ट्रबल You know, threatening the technical people, threatening the studio, threatening so many aspects, and they took me to court. They petitioned CBFC. They asked the communist people also to go and petition. A lot of things have happened, which I have silently, controlled everything, and I have taken care of all that. हम सितंबर 2023 में ही इस सिनेमा को रिलीज करना चाहे, लेकिन आज अप्रैल 26 तारीख हो गया ऑल इंडिया रिलीज करने के लिए. बाकी चार लैंग्वेजेस में तो रिलीज किए. बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है. कोई भी सिनेमा पहले स्टार्टिंग फ्रॉम टीजर टू ट्रेलर टू सिनेमा कोई भी देखे तो गूज़बम्प्स पक्का है एंड इसमें रियलिटी है ये हाई क्वालिटी सिनेमा निकाले हैं ऐसा नहीं कि ये कोई एपिक मतलब बड़े बड़े हीरो हीरोइन को नहीं लिए लेकिन ये कोई बड़े से कम नहीं है और हमारा डायरेक्टर भी बहुत ही काम अच्छा किया और जब उन्होंने ये प्रोडक्ट को स्टार्ट किया वो 16 करोड़ बोला मैं बोला 20 तक रेडी था फिर 25 तक रेडी हो गया क्योंकि वी हैव टू क्रिएट 1947 एंड 48 देन इट वेंट टू 51 क्रोर्स सो इट इज नो लेस अ पिक्चर देन या बाहुबली या ऐसा पिक्चर क्योंकि यू हैव गॉट द ईच एंड एवरी माइक्रो थिंग ऑल्सो मतलब जूते को भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया ब्रिटिशर जूता पहनता तो उसके ऊपर गंदा नहीं रहना एकदम ब्राइट शाइनिंग होना है जीप देखे तो आप विलीज जीप देखेंगे 1945, 46, 47 लॉरी जो मिलिट्री की जो इस्तेमाल करते थे उस जमाने का हर चीज़ हम बहुत ही केयर लिए इस प्रोडक्ट को आपके सामने लाने के लिए और आप इसको इस मूवी को देख के अपने दोस्त अपने रिश्तेदार और अपना कम्युनिटी में फैलाना है ताकि आने वाले पीढ़ियां शांति से जी सके और फिर रजाकार पैदा ना हो थैंक यू 26 अप्रैल 2024 जब ये फिल्म रिलीज होगी आपके नज़दीकी थिएटर्स में जाइए एंड कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम बहुत सारे सवाल हैं Makran sir, I'll start with you. You know, first of all, the way you've aced this character that you're playing. So, kitna aisa gussa chal raha tha andar? Kya chal raha tha? Bataiye. Kya hai sabse pehle to good morning, good afternoon, whatever it is, but a day to remember because Hindi mein jab koi film release hoti hai Marathi mein, to hum apni baat keh sakte hain. Hamari mother tongue hai. हम लिखते हैं इंडियन पासपोर्ट पर नेशनैलिटी लेकिन अचानक से पता चलता है कि हमें इंडिया के बारे में क्या पता है और जब मुझसे कहा गया क्योंकि हमने देखा है गांधी जी पे बनी फिल्म बेन किंग्सले बनी फिर नसीरुद्दीन शाह ने हेराम में काम किया सुभाष चंद्र बोस जी पर फिल्म बनी लेकिन एक ऐसा पन्ना जो इतिहास में काले रंग से लिखा गया और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं है फिर मुझे जब बताया गया कि आपको इतिहास का किरदार करना है तो नितिन क्या बात होती है कि इतिहास का किरदार कोई भी करना जाए आप अचानक से एक जिम्मेदारी आती है कि आप उसके बारे में जानना शुरू कर देते हो और कमाल की बात यह है कि बहुत ही लिखा पढ़ा आदमी मीर उस्मान अली खान बहुत ही मतलब साहित्य प्रेमी था शेर व शायरी करता था और दुनिया का सबसे अमीर आदमी मतलब टाइम मैगजीन पे उनकी तस्वीर छपी हुई थी 1937 में लेकिन दुनिया का सबसे कंजूस आदमी भी था तो मतलब कमाल की बात यह है कि कोई भी अंग्रेज या फ्रेंच आदमी या अमेरिकन आदमी मिलने आता था सिगरेट ऑफर करता था पूरा सिगरेट का
पाकिट ही उनसे ले लेता था, बक्सा ही ले लेता था। बात मजेदार बात यह है कि ऐसे आदमी ने जो कि लिखा पढ़ा आदमी है, क्या हो गया कि अचानक से जो कहता था एक आंख मेरी हिंदू की एक आंख मुसलमान की है, फिर वो अचानक से धर्म के कारण, फिर बात समझ में आई जितना हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कि जब वो अंग्रेजों के साथ वफादार ज्यादा रहा, अंग्रेजों ने हमेशा से उनको एक हाइनेस करके भी एक दिया था, उनको नाम दिया था, और वो आदमी चाह ही रहा था कि जब आजाद हो जाए हमारा मुल्क तब वो हैदराबाद को अलग कर ले, उसको तुर्किस्तान बना ले, वो अलग ही करना चाह रहा था। ये भीतर की बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुझे जब ये ऑफर किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मकरन भैया पता नहीं आपको क्यों यथा साहब ने या गुरु साहब ये फिल्म क्यों बना रहे हैं और आपको ये मौका मिल रहा है कि एक संजीदा लिखा पढ़ा आदमी अपने धर्म के लिए क्या इतना हिंसा इतनी कर सकता है, इतनी क्रुएल्टी कर सकता है। और खैर फिर उसके बाद जो काम किया गया वो यही था कि एक हिंसा वाला आदमी कितना मतलब आपने देखे होंगे दो शॉट कि जिसकी आंखों में अचानक से जब आप धुआं छोड़ते हो तो धुएं में भी ऐसा लगे कि बारूद छोड़ रहा है, वो कोई एक जहर है जो डाल रहा है। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि एज एन एक्टर अचानक से मुझे मेरे अंदर का एक हर एक के भीतर एक क्रूएल आदमी होगा ज़रूर, तो मेरे अंदर का क्रूएल आदमी निकल गया ये किरदार करके, ये मैं कहना चाहूँगा। पहले ही शॉट में सर जब वो ऐसे आप धुआं छोड़ रहे हो ना, सच में वो दिख रही है नफरत। माय गॉड। पर एक बात बताऊँ, इसमें मेरे मज़ेदार एंट्री दी है इन्होंने कि इतना दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उनके एक रस्म होती थी हर निज़ाम कि एक सोने का सिक्का उनको दिया जाता था, उसे छूते थे वापस लौटा देते थे, लेकिन ये आदमी रख लेता था, ये सातवां जो निज़ाम था ये कंजूस था, ये रख देता था, तो एक ऐसा सिक्का गिर जाता है और वो सिक्का मिल नहीं रहा है, तो इन्होंने एंट्री वो रखी है कि वो अपने नीचे झुक कर ढूंढता है और उसे अपनी लकड़ी से ढूंढ कर लाता है और वो किस्सा ढूंढ कर रखता है अपने वापस पॉकेट में। और एक मज़ेदार बात ये थी कि उसके पास जेकब हीरा था, जो हीरा कहते हैं कि बहुत ही सात एक हीरे होंगे दुनिया भर में, तो वो उनके पास था। तो हम सोच रहे थे उसका क्या करें, मतलब थोड़ा सा हम जो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं, वो उसका पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे, माइंड यू पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे, तो हमने उसके हाथ में जो लकड़ी दी थी स्टाफ उसके ऊपर वो लगा दिया था और उससे वो अपनी खुजली करता है, अपने पैर में जब खुजली होती है उसे खुजलाता है। तो वो सब करते हुए ऐसा लगा मुझे कि पता नहीं यार एक एक्टर होना कितना इम्पोर्टेंट है कि अचानक से आप इतिहास में उतर कर आप वो किरदार निभाते हो। मैं अपने आप को थोड़ा सा भाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और मैं इनके लिए ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा देखते हैं कि बड़े स्टार्स आते हैं और उसका बजट 100 करोड़ 200 करोड़ और फिर वो बड़ा स्टार होता है वही 100 करोड़ ले जाता है, इसलिए फिल्म 150 करोड़ की 200 करोड़ की होती है। लेकिन इस फिल्म को 50 करोड़ की बनाना, इसका मतलब है इनका कन्विक्शन कितना है बनाने वाले का भी, कि हम एक्टर चाहते हैं जो किरदार में दिखें कि ये निज़ाम लगे, इसलिए इसे कास्ट किया गया। तो तहे दिल से मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये फिल्म बनाई और मैं इसका हिस्सा हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन टू लोह पुरुष, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना खूबसूरत किरदार जो यहाँ पे निभाया है, तो सर प्लीज मुझे बताइए सबसे पहले कि लोह पुरुष के बारे में और क्या क्या पता लगा, बिकॉज यहाँ कई चीज़ें पता लग रही हैं आपकी रिसर्च में, व्हाट ऑल डिड यू गेट टू नो अबाउट हिम। नमस्कार आप सब लोगों को। मैं जब मुझे बुलाया गया हैदराबाद लुक टेस्ट के लिए, वैसे मेरी पहली फिल्म सुरक्षा लगी थी 1979 में एज अ लीडिंग मैन, तीन चार फिल्में करके मैं ऑन द लीडिंग साइड, फिर मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किया था, फिर बाद में कैरेक्टर रोल्स किए। तो जब मुझे इस रोल के लिए बुलाया गया तो तीन बार मेरे लुक टेस्ट हुए और अल्टीमेटली रेड्डी साहब और येट्टा साहब ने फाइनल किया मुझे। तीन लुक टेस्ट, लॉट ऑफ प्रोस्थेटिक्स, तो और मुझे एक्सप्लेन किया गया ये रोल
वैसे मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की थी अपने कॉलेज एल्फिंस्टन से, तो एक ढांचा सा था. एंड सरदार साहब हैज बीन माय आइडल. बहुतों के अलग अलग हैं, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेहरू जी हैं, किसी के सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन मेरे आइडल यही थे. और जब मुझे उनका रोल निभाने का सिल्वर स्क्रीन पर मौका मिला, तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ नहीं है. 46 years, over 300 films, the only actor to do 13 languages, इतना मैंने किया हुआ है. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोल जो है, ये मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है. ये आप जब देखेंगे तो शायद मैं बताएंगे कि मैंने कैसा किया है. एंड आई होप कन्विंस्ड यू कि एक नेगेटिव एक्टर जो है रोल्स करने वाला, उसने पॉजिटिव कैसे किया है. एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बता दूं कि प्राण साहब जो थे, वो मतलब जब से मैंने कदम रखे इंडस्ट्री में, मेरे फादर थे, उनके जैसा कोई विलन उस दौर में नहीं था. लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा कभी, तो इतनी दहशत थी उनके नाम से. लेकिन एक फिल्म, सिर्फ एक फिल्म, मलंग बाबा उपकार, मनोज जी ने उनको पॉजिटिव रोल में लिया. और उसके बाद हिस्ट्री है, उसके बाद प्राण साहब ने सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं. तो मेरे लिए ये हिस्ट्री वैसे भी है, और आई थिंक इसके बाद अगेन इट विल बी रिपीटेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. राजा, आई विल कम टू यू. एंड ये मेरा सवाल आपके लिए है, बिकॉज जितने शांत आप ऐसे हैं, और जब आप स्क्रीन पर दिखते हैं, इसकी बात करूँ या अभी आपने हाल ही में एक और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है, सो वो बिल्कुल अलग चले जाते हैं. यू नो, व्हेन यू प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, वो खुद को कितना असर करता है. बिकॉज एज सर ने भी यहाँ पे अभी बताया, वो रजाकार इज लाइक यू नो हिट कर रहा है, हम सबको हिट कर रहा है. फॉर यू इमोशनली कितना चैलेंजिंग है? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन. आप सभी को मेरा नमस्कार. ये बिल्कुल सही कहा आपने, इमोशनली बहुत हिट करता है. हम एक जर्नी से जब एक ख़त्म होने को आती है वो, तो एक वैक्यूम सा आ जाता है. क्योंकि ये एक्टिंग प्रोसेस ही ऐसे ही है कि आपको साइकोलॉजिकली उस परचम तक पहुंचना होता है, नहीं तो वो कन्विक्शन आएगा ही नहीं. अब मैं बॉडी लैंग्वेज ले आऊँगा, मैं जेस्चर ले आऊँगा, मैं स्पीच ले आऊँगा, मैं डिक्शन पे ठीक काम कर लूँगा, लेकिन अगर मैं उसमें सोलली उतरूँगा नहीं, तो वो कन्विक्शन बाहर भी नहीं पहुँचेगा. और उसको पहुँचने में अपने आप को तकलीफ में तो डालना ही पड़ता है. बट ये चुनाव मेरा ही है, और मुझे इसमें बहुत सुकून मिलता है. बहुत मुझे हर बार जब भी मैं कोई इस तरह का काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जीवन जो है सार्थक हो रहा है. जिस तरह का सिनेमा मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह की एनर्जी मैं भेजता हूँ, मैं बार बार यही विश करता हूँ कि मुझे टफ से टफ रोल जो है वो किसी तरीके से पहुँचे. और वो पता नहीं क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद मेरे पास इतने ख़तरनाक रोल आते हैं, और मुझे लगता है कि वापस एक लड़ाई, वापस एक चैलेंज मुझे जो है रिसीव करना है. तो तकलीफ़ का दौर तो तब भी रहता है कि जब उस रोल की तैयारी करनी हो, और जब वो चला जाता है तो आप ना मैं एक्टर हूँ और ना मैं वो किरदार हूँ, तो वो भी तकलीफ़ का दौर रहता है. एंटिल एनलेस की इमीडिएटली आपके पास कोई प्रोजेक्ट हो, मेरी कोशिश रहती है एक टाइम पे एक ही काम करूँ ताकि मैं उसमें जान लगा पाऊँ. तो ये है, लेकिन उसका एक अपना मज़ा भी है. वो बहुत सुकून दे जाता है, और वो इतनी ताकत दे जाता है कि आप आने वाले कुछ महीनों में आप वापस एक चुनाव करते हो कि अब क्या और अब कौन सी फिल्म. तो मेरे लिए यही एक खुराक है. अब इस फिल्म की अगर बात करें, तो मैं आपको सच में ऑनेस्टी से बताऊं कि मुझे नहीं मालूम था रजाकारों के बारे में, नहीं मालूम था कासिम रिजवी के बारे में, जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूं उसके बारे में नहीं पता था. हैदराबाद में ऐसा हुआ है 1946-48 के इराम में, ये भी नहीं पता था. बट जैसे कि कोई भी सेंसिबल एक्टर करता है, जैसे ही उसे कोई रोल ऑफर होता है वो उस पर काम करना शुरू करता है. तो मैंने भी वही किया, यूट्यूब, गूगल, किताबें, जितना मटेरियल अवेलेबल था, डायरेक्टर सर से बात की, प्रोड्यूसर सर से बात की, जितना बाहर से मैं इकट्ठा कर सकता था किया. और उसके बाद वो जो एक इंटरनल जर्नी आपकी शुरू होती है वो किया, और ज़्यादा जैसे कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ बनने की, वो होने लगता है. बस ये है कि आप उतनी ईमानदारी डाल दो उसमें, दिन रात सोते जागते खाते पीते बस उस कैरेक्टर के बारे में सोचो, तो अपने आप बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर सब आ जाता है, सब आ जाता है. और इसी ज़िंदगी का एक एक्टर को बहुत मज़ा आता है, और मैं उसी मज़े को ले रहा हूँ अभी. और इस फिल्म के बारे में मैं आपको कहूँ, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैंने, जैसे कि हमने बहुत सारी बड़ी तेलुगू फिल्में देखी हैं, और तेलुगू सिनेमा जो है वो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में हैं,
जैसे बाहुबली, पुष्पा, आरआरआर, स्वाहो, सोहो एंड ये सारी फिल्मों के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसका जो लेवल है ना वो उसी तरह की फिल्म का है। मतलब तेलुगु इंडस्ट्री की या तेलुगु सिनेमा की जब जब बात होगी ना तो उसमें रजाकार का नाम जरूर लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा आपसे कि प्लीज़ ये फिल्म आप जब देखें तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उस पर लिखना शुरू करें, और ताकि हमारे डायरेक्टर हैं या तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हैं, और उनका मनोबल बढ़ेगा। क्या होता है कि इंडस्ट्री में जब कोई एक कदम रखता है और वो फिल्म, वो काम अगर अप्रिशिएट किया जाए, पसंद किया जाए, तो सिनेमा की फैमिली हमारी बढ़ती है। तो एक नया डायरेक्टर, एक नया प्रोड्यूसर पैदा होता है, बहुत सारे नए एक्टर्स काम करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी एक बड़ी हमारी फैमिली बढ़ती जाती है। तो आप लोगों को देता हूँ मैं ये जिम्मेदारी। थैंक यू, थैंक यू। देखो प्यार से समझाया अभी, वो वाले कैरेक्टर में रह के नहीं समझाया, समझ जाओ सब लोग। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। अनुश्रिया, दिस वन्स फॉर यू, वेलकम टू द मूवीज फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, यू नो, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म, यू नो, इट्स अ पैन इंडियन फिल्म, राइट? आजकल इसकी हम बात करते हैं और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म मिलना, ये डेब्यू मिलना विथ दिस अमेजिंग कास्ट, क्या बोलना चाहोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे को ये कैरेक्टर देने के लिए, याटा सत्यनारायण जी हमारे डायरेक्टर का एंड हमारे प्रोड्यूसर गुड्डू नारायण रेड्डी जी का, जिनके स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, विल पावर और फेथ के कारण ये स्टोरी आज हम यहाँ आगे लेके आ पाए हैं। 2 साल पहले जब इन्होंने ये स्टोरी मुझे पता चली तो आई फील सैड कि कैसे बींग एन अकेडमिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था, और मुझे स्टोरी देख के समझ में आ गया कि दिस मूवी इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री एंड इसमें पार्ट मिलना मींस वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। सो दैट इज़ व्हाई आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड वन स्मॉल थिंग आई वांट टू शेयर स्पेशली टू द यूथ ऑफ द नेशन, हमें नहीं पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतना, और हमारी पूरी टीम, हम कल स्टैचू ऑफ यूनिटी गए अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए सरदार पटेल जी को, तो वहाँ पर गाइड ने एक छोटी सी बात बोली कि ये जो मटेरियल बना है पटेल जी का 112 मीटर टॉल इट स्टैंड्स, दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1000 ईयर्स तक डैमेज नहीं होगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट कि 1000 साल तक वो टॉल खड़े रहे? तो आप ये मूवी देखिए तो आपको फिर समझ में आएगा क्यों आगे की 10 सेंचुरीज तक मेरे बच्चे, हमारे आगे कितने जनरेशन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखें, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को दिल बोलते थे, हार्ट बोलते थे हमारे भारत का, एंड ही मेड श्योर कि वो दिल का टुकड़ा ना। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं डायरेक्टर साहब से बात करूं, ये बनता है सवाल, सर के साथ यू नो वो केमिस्ट्री कैसी रही स्क्रीन पे और क्या सीखने को मिला और क्या नहीं सीखा? बिल्कुल, व्हाट वाज दैट वन थिंग मकरन सर के बारे में जो ये है कि नहीं मेरे को ये नहीं, बस ये नहीं सीखना? मैं इतना बता दूं कि वो आ गई और मुझे अचानक से लगा कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत कोई तो आपके साथ आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि यार किरदार में रहूं इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, कभी कभी क्या हो जाता है, आप नहीं बहुत खूबसूरत सी चीज़ आपके घर ले आ जाते हो और फिर उसको मैच करने के चक्कर में कपड़े पहनना शुरू कर देते हो। तो ये जब आ गई सेट पर तो ऐसा लगा, पीछे बैठी हुई थी, कैमरामैन भी मुझसे ध्यान हट गया, उसका ध्यान थोड़ा इनकी तरफ हुआ, तो मतलब मेकअप वाले हो, कॉस्ट्यूम वाले हो, सब कुछ, अचानक से हमें भी लगा कि ये पूरी ऐसी फिल्म में, इंटेंस फिल्म में एक खूबसूरत लड़के आ गई तो क्या होगा। एनीवे, बट आई मस्ट से शी वाज प्रेजेंट, शी वाज कॉन्फिडेंट, शी एडेड टू द सीन्स व्हिच यू नो, अचानक से आपको एक कहते हैं ना कि एक महक भी चाहिए होती है, फूल की महक भी चाहिए होती है फिल्म में, यू नो वेयर वी आर सीन द ब्लड शेड एंड शी वाज द वन। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 3-4 मंथ्स के लिए, जो मेरे ट्रेनर थे, जो एक्टिंग के गुरु जी थे जिन्होंने सिखाया, उनका शुरू से ही था कि आपको मकरन जी के साथ अपना स्क्रीन शेयर करना है, सो आपके कारण स्क्रीन प्रेजेंस उनका नहीं ख़राब होना चाहिए। तो वो मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग था कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर्स इन आर जनरेशन, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। एंड फाइनली ही मेड मी सो कम्फर्टेबल ऑन स्क्रीन, मुझे इतना डर लग रहा था इनके साथ पूरे टाइम, छोटी छोटी टिप्स देना, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं
जब फाइनली आप एक इतने बड़े एक्टर और नॉट जस्ट वन ऑल थ्री एक्टर्स आई हैव सीन ऑन स्क्रीन मतलब ऑफ मतलब लोकेशन में भी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखना उनसे बहुत चीज़ें सीख के ये मेरा सौभाग्य था बस थैंक यू सो मच सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट ऑफ कोर्स मूविंग ऑन टू द कप्तान साहब याटा सर वेलकम एंड थैंक यू फॉर दिस यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय इस फिल्म की सबसे पहले यू नो वो कन्विक्शन आपका भी बड़ा मायने रखता है जब आप ऐसी फिल्म बना रहे होते हैं और उस एरा को रिक्रिएट कर रहे होते हैं सबसे पहले बताइए उसमें डिफिकल्टी हुई या आसान था सब कुछ थैंक यू नितिन जी सबको नमस्कार बॉलीवुड मीडिया फ्रेंड्स एंड बॉलीवुड ऑडियंस सबको नमस्कार आप क्षमा कीजिए मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता मेरे को थोड़ा अरबी थोड़ा उर्दू मिक्स होता क्यों बढ़ता हमारे पास निज़ाम है निज़ाम था उन्हें निज़ाम वही सिखाया मेरे को वही आता तो आप क्षमा करना पड़ेगा नितिन जी आप सवाल पूछा है ऐसा वाला मूवी निकलना बोले तो पहले प्रोड्यूसर को गट्स रहना चाहिए प्रोड्यूसर नहीं है तो हमें मेरा माइंड में कितना स्टोर है तो भी मेरा कितना टैलेंट है तो भी वो नहीं निकाल सकता मैं मगर मेरा प्रोड्यूसर मेरा भाई गुडूर नारायण रेड्डी साहब ने ये मूवी निकालेंगे बोल के मेरे को ऑफर दिया मगर मैं भी सोचा क्यों बोल तो मैं अभी फर्स्ट स्टेप में हूँ मैं अच्छा हीरो चाहिए अच्छा हीरोइन चाहिए कमर्शियल मूवी चाहिए कमर्शियल फाइट चाहिए जब भी पब्लिक जब भी देखता मगर मैं बाद में माइक क्या सोचा बोल तो अब हमें थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स हिंदी में आया मगर शोले को देखते बहुत सारे फिल्म्स इंग्लिश में आया मगर गॉडफादर को देखते बहुत सारे फिल्म्स तेलुगु में आया मगर माया बाजार को देखते ये फिल्म के बाद मैं भी वही सोचा वो तीनों के बाजू रजा कर खड़े करता था रजा ये सिनेमा नहीं ये हिस्ट्री है इसमें हमारे फोर फादर्स का ग्रैंडफादर्स का हमारे मिट्टी का आंसू है खून है ये रियल हिस्ट्री है ये रिक्रिएटेड हिस्ट्री नहीं ये रियल हिस्ट्री है ट्रू हिस्ट्री है ये हिस्ट्री में हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद नांदेड परभणी उस्नाबाद पांच डिस्ट्रिक्स है वो पांच डिस्ट्रिक्स में 358 विलेजेस क्या बोलते हैं नाशन हो गए हैं वो स्टोरी किसको मालूम हमारा महाराष्ट्र में है अभी तक किसको भी नहीं मालूम उस्मानाबाद में ईट बोल के एक विलेज रहता वो विलेज में किशन राव ठाके बोल के एक हिंदू रहते थे उसका घर के ऊपर कभी भी वो काचे का झंडा रहते थे सफरन का झंडा रहते थे उसका ऊपर गुस्सा से वो गांव को जला दी उसका वाइफ को मार दी उन्होंने क्या किया उसका धर्म पालने के लिए कोशिश किया उसमें कोई गलत नहीं है ना ऐसा वाला हिस्ट्री किसको भी नहीं मालूम हमें महाराष्ट्र में पैदा हुए मराठी बात कर रहे हैं पांच डिस्ट्रिक्ट्स है वो निज़ाम हिस्ट्री में निज़ाम किंगडम में मगर महाराष्ट्र को नहीं मालूम महाराष्ट्र में खाली छत्रपति शिवाजी मालूम नहीं तो अब मार्केटिंग कर ले रहा कोई पॉलिटिकल लीडर्स है ना महा नहीं अब है सो पॉलिटिकल लीडर्स कौन मार्केटिंग कर लेता उन्हीं पे फोकस में रहता मगर जब थाउजेंड्स पीपल्स फ्रीडम फाइटर्स है हमारे लिए फाइट करे सो फाइटर्स अनसंग हीरोज है उसके लिए बोलना मेरा जिम्मेदारी है इसलिए मैं ये मूव किया थैंक यू सो मच ऑफकोर्स छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने इतना सब कुछ दिया है ऑफकोर्स उनके अलावा और जिन हीरोज की सर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं आई थिंक आपने बहुत खूबसूरती से उसको यहाँ पोर्ट्रे किया होगा एक झूठ बोला सर आपने हम सब हाँ वो झूठ ये है कि आपको हिंदी नहीं आती इतनी अच्छी तो बोल रहे हैं सर आप नहीं मैं नहीं आती बोले तो आप अच्छे सुन रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं नहीं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता इसलिए अब कुछ अच्छा देखने के लिए 26 अप्रैल इज व्हेन दिस मूवी इज गोइंग टू रिलीज हिंदी और मराठी में ये रिलीज हो रही है आप लोग नजदीकी सिनेमाघर में देख सकते हैं आई एम श्योर बड़े सारे सवाल होंगे आप लोगों के भी सो यस आइए ओवर टू यू कहां से आ रहा पहला सवाल रेड्डी साहब सर
फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तेलुगु में, अब वापस उसको रिलीज कर रहे हैं हिंदी और मराठी भाषा में, क्यों जरूरत लगी आपको कि मराठी और हिंदी में भी रिलीज करनी चाहिए? मराठी क्योंकि महाराष्ट्र से 5 डिस्ट्रिक्ट निजाम प्रोविंस में थे, उसलिए मराठी में निकालना चाहे, और हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है, पूरा नेशन को पता चलना है, मेरा जिम्मेदारी बोल के मेरे कंधों पे लिया, तो पूरा देश को बताना है कि इतिहास क्या है। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा, तेलुगु पहले रिलीज करे और इस बात पे एक एक कदम में हमें तकलीफ दिया गया, तेलुगु मलयालम तमिल कन्नड़ा का ये हो गया, फिर बोले पिटिशन लगाए कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आई सेड व्हाट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आई एम आल्सो ए पॉलिटिशियन, आई नो अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, दे डोंट डील विद एनी सिनेमा और नाटक या कोई ड्रामाबाजी और किसी से वो लोग डील नहीं करते, दे डील विद डेमोक्रेसी, दे सी टू इट दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड प्रॉपरली एज पर द रूल्स आर नॉट, whether the candidates who are contesting are eligible or not, whether the expenditure, you know, curtailed to a particular limit is being followed up or not, but not control the cinema industry. So I went to again court and I have argued and got it censored. Okay, कहा जा रहा है क्योंकि आपने अभी कई बार बताया, हम सब सुन भी रहे हैं, ट्रेलर के माध्यम से पता चलता है कि ये जो इतिहास में हुआ, मकरन साहब ने कहा और राज अर्जुन ने कहा, तेज अप्रू साहब भी कहीं एग्री कर रहे हैं कि ये वो हिस्ट्री है जो हिंदुस्तानियों को पता नहीं है जी। क्या आपने फिक्शन भी डाला है इसमें इसको? और कुछ भी फिक्शन नहीं है, फिक्शन है तो है, निजाम को 203 बीवियां थे और निजाम के बीवियां कहीं बाहर नहीं दिखते थे, लेकिन ये निजाम की बीवी बार सिनेमा में दिखती है, बस उतना वही फिक्शन है। क्योंकि मकरंद जी ने आपसे कहे कि एक फूल को बताना है, एक खूबसूरती को बताना है, क्यों पूरा ब्लडशेड हो रहा, मारण होम हो रहा है, तो इस बीच में एक थोड़ा सा रोमांटिक सिचुएशन को क्रिएट करना, तो एक बेटर लुकिंग फीमेल, क्योंकि बेटर लुकिंग ब्यूटीफुल लुकिंग फीमेल्स भी गांव वालों का कैरेक्टर्स लेके एकदम वो लोग अभी काला रंग डाल लिए, एक ही थी गोरी गोरी का जैसा दिखती है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तेज सब्रु साहब, आपसे मेरा सवाल है, जब मैं आपकी बात करता हूँ, यो दैन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, अनगिनत किरदार आंखों के सामने आते हैं जब हम आपको देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाना, और क्योंकि आपकी एक इमेज रही है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और क्या मानते हैं आप कि जो हिस्ट्री इस फिल्म में दिखाई गई है, क्या वाकई में आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को पता नहीं है कि ये भी इतिहास में कहीं हुआ है? या मुझे लगता है जब मुझे ही नहीं पता थी इनिशियली, तो फिर आधे से ज़्यादा को शायद ही पता होगी। वो तो मुझे यट्टा साहब और गुडूर जी ने जब बुलाया और पूरा एक्सप्लेन किया कि ये है, तब जाके मुझे लगा कि अच्छा ऐसी भी हुआ है। तो सरदार जी इज़ माई आइडल, बट मुझे ये हैदराबाद का जेनोसाइड जो था ये पता नहीं था। देन आई रेड अ कपल ऑफ थिंग्स, और लोगों ने ये भी कहा कि आप ऐसी फिल्म लगी है, ज़रा देख लीजिए वो उन्होंने कैसा किया है रोल। मैं बोला मैं देखूंगा नहीं, वरना समवेयर डाउन द लाइन यू गेट कैरिड अवे विथ इवन अ वन यू नो सॉर्ट ऑफ नुएंस जो होता है एक्टर का। तो मैंने किसी को ना देखा ऐसा रोल प्रीवियसली जिसने किया होगा, और मेरे जहन में जो था कि ये कैरेक्टर जो मेरे आइडियल हैं इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, और मैंने उसी तरह निभाया है। अब कितना कन्विंसिंग निभाया ये आप लोग मुझे उसका रिजल्ट देंगे। मकरन सर, आपसे पूछना चाहूँगा, और जिस वक्त आप बात कर रहे थे मुझे बहुत एहसास हुआ अंदर से कहीं कि बहुत डिटेल में आपने स्टडी करी है। जब मैं उस किरदार की पाशा उस्मान पाशा के किरदार की बात करता हूँ कि वो कंजूस थे, कितनी डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, इट गिव्स मी दैट वाइब्स, यू हैव सीन सो मेनी थिंग अबाउट उस्मान पाशा। असल में क्या है कि एक्टर अपना प्रोसेस बताता नहीं है किसी को, पर बात सच बात बताऊँ, जैसे कि राज ने भी अच्छी खूबसूरत बात कही कि हम जब एक्टिंग करते हैं तो एक मटीरियल होता है हमारे पास स्क्रिप्ट, लेकिन उसके बाद दूसरा मटीरियल होता है जो यहाँ पर था, मतलब एक एक्टर नहीं तो उसको इमेजिन करता है कि उसके पास्ट क्या होगी, व्हाट इज़ हिज स्पिरिचुअलिटी कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, हिज इंटेलिजेंट कोशेंट, हिज वायलेंस कोशेंट, देर आर मेनी क्वेश्चंस विच ही थिंक्स अबाउट इट, बट इन दिस केस देर वाज हिस्ट्री एंड स्टिल द हिस्ट्री विच वाज अनटोल्ड, सो देर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच वर मिसिंग। बट कई किताबों में कुछ कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ लोग कहीं पर रेफरेंस ये थे कि वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत, तो वो इतिहास कभी कभी आपको गुमराह भी कर सकता है। मैंने उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स लिए,
हाइलाइट्स लिए ऑफ कोर्स, और उसके बाद एक बात समझ में आई कि मुझे कास्ट किया गया, मैं तो 5'10" 5 फीट 10.5 इंच का आदमी हूँ, और वो मीर उस्मान अली खान साहब 5 फीट 3 इंच के, तो कैसे करें उसको। एक मेरे दिमाग में था जो मैंने उतना शेयर नहीं किया, मेरी समझ में आया कि एक्टर थोड़ा झुक जाए और यूं चले अगर और यूं लेके, तो हाइट का आपको अंदाज़ा आएगा ही नहीं। और कहीं तो जिक्र था वहाँ पर कि उनके कंधे झुके हुए थे, और वो शायद हो सकता है कि जो वेयर एंड टेयर, जो उनकी जीने की लाइफस्टाइल थी, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट, बट वो जो थी उसकी वजह से वो झुके हुए थे। तो मुझे एज एन एक्टर, एक तो वो फिल्टरलेस सिगरेट पीते थे, आपने कभी पी है कोशिश कर लीजिएगा, फिल्टर जब हटा देते हो और आप जब एक भी आप कश लेते हो तो आपके मुंह में बाद में धुआं आता है, पहले तो वो तंबाकू आता है, तो वो तंबाकू जब आया और वो उससे मुझे ऐसा मुझे लगता है कि वो किरदार का जो कड़वाहट थी, देखो लिखा पढ़ा आदमी और भी डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत लिखा पढ़ा होता है, उसको पता है लिखने पढ़ने से ही उसमें ज्यादा पावर आ गई, ही कैन रूल अनपढ़ गवार लोगों को, ही कैन रूल, सो ही वॉज अ रूलर। तो ऐसा रूलर जब लिखा पढ़ा आदमी करना हो आपको, तो मैंने कोशिश की, सच बताऊं तो यता साहब ने एक्चुअली एज अ डायरेक्टर ही इज़ टू पुश मी ऑल्सो। आपने पूछा, एक ओवरऑल क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि कितना रियल है, तो क्या हो जाता है कि सिनेमा में जब हम आते हैं तो सिनेमा में आपका आप दिख तो सकते हो, लेकिन आपको बैकग्राउंड स्कोर दिया जाता है, तो हमारा किरदार हाईलाइट हो जाता है, हमारे लेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम आपको और क्रूएल नज़र आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा रियल लगा या ड्रामेटिक लगा या क्रूएल लगा, तो उसमें सिर्फ मेरा श्रेय नहीं है, मेरा मुझे जो सपोर्ट सिस्टम मिला है फ्रॉम माय डायरेक्टर एंड द होल अदर टेक्निकल क्रू, सो माय वर्क इज़ बीन हाफ, रेस्ट हाफ इज द मीडियम। मगर सर ये कितना ज़रूरी है, जब आप जिक्र कर रहे थे अभी कि किस तरह से फिल्म स्टार्ट हुई और कितना डिटेलिंग में रेड्डी साहब ने एक एक जूते तक का ध्यान रखा और इतना बजट बढ़ता चला गया। मैं बताऊं, वहां पर जो कटलरी आती थी, सीन चालू होता था, ये आके देखते थे और कहते थे ये इसका नहीं है, लाओ ये चेंज करो, ये खुद ही, मतलब मेरी तो समझ भी नहीं आया, ये पहला प्रोड्यूसर है जिसको हमारे जितना ही हो सकता है हमसे भी ज्यादा मालूम हो इसकी, तो ये तो इन्होंने जवाब देना चाहिए ऐसा मैं कहूंगा। कितना जरूरी है इस तरह के प्रोड्यूसर को और ज्यादा अप्रिशिएट करना, क्योंकि यू नो देयर इज अ मोनोपोली हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, हाउ इंपॉर्टेंट सच इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। सी माय प्लीज थोड़ा सा मुझे भी एक बार यहां प्लीज मैं आ रहा हूं। ओके, आई विल क्विकली कंप्लीट इट। सी आई एम ए क्रिटिक बाय माय सेल्फ, मैं क्रिटिकली मूवी को देखता हूं तो मैं मेरे दिल में भी कुछ गुस्सा आता है, डायरेक्टर ये लोग ठीक नहीं निकाला ये प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बोलता हूँ, जैसा ही शूटिंग शुरू हो गई महिंद्रा जीप लेके आके खड़ा दिए डिपार्टमेंट, महिंद्रा थी का 1946-47 में महिंद्रा नहीं थी, विलीज थी, तो पूरा दो दिन का शूटिंग को स्क्रैप करके फिर नया पुराने जीप खरीद के फिर रीशूट करे, ये शॉट इट। सो आई यूज्ड टू बी सोल्ड फोन, जब एक फोन कान पे रहता था, एक यहाँ बात करते थे वो फोन, मेरे को कहीं बहुत 25-30 साल पहले कहीं ऐसा एंटिक शॉप में मैं लेके रखा था, तो वो है लकीली ही यूज दैट फोन। बहुत सारी चीज़ें हैं, मीन वी कैनॉट वी डोंट हैव मच टाइम बिकॉज अदर जेंटल लेडीज एंड जेंटल वुमेन हैव। रूना फ्रॉम वेब दुनिया, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाई मकरंद, हाउ आर यू? मैं अजीब से नंदर यहाँ, मैं आपसे मकरंद आपसे या डायरेक्टर साहब अगर कोई जवाब देना चाहे, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है हमें बहुत कुछ सिखाता है, हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर, इस बात को कैसे लेते हैं आज ये हिस्ट्री जो दिखाई जा रही है नई जनरेशन को क्या सिखा सकती है? आई थिंक जैसे अगर नए जनरेशन तो ठीक है, मेरी जनरेशन भी सीख रही है, मतलब हमें भी नहीं पता था क्या होता है कि हम अपना जीना शुरू कर देते हैं, हम इतने उलझ जाते हैं अपने जीवन में कि हम भूल जाते हैं कि हम 26 जनवरी मना लेते हैं या 15 अगस्त मना लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या गुजरा है, इस चीज़ से गुजरे।
और जहाँ तक कला का ये एक इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि वो आपके सामने, समाज के सामने अपना वक्त तो रखे ही, लेकिन उस वक्त तक जो पहुँचे हैं वो विचारधारा को भी आपके सामने रखना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा आज का आदमी ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है इतिहास का वो बड़ा काम एक कला माध्यम से किया जाता है, तो जिसमें एजुकेशन ये उसका एक अहम हिस्सा है, और इसलिए शायद ये इस फिल्म को चुना गया है। आई थिंक याता कैन से मोर अबाउट इट, बट दैट्स व्हाट आई फील, हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, एज यू से इट एज एंटरटेनमेंट। As this is a historical film based on the untold history, how many people know that this country got twice independence? Because today, if you look at the whole as a country, the whole country got minus Hyderabad princely state on 15th August, the independence, whereas Hyderabad princely state was liberated on 17th September 1948, 396 days later. So, do bar hame azadi mili hai is desh ke vasiyon ko, ek fully सेकेंड पार्टली, तो ये भी जाना जाता है, लोगों को बताया जाता है। आपसे ये जानना चाहूंगी, कहते हैं कि आजकल हिस्ट्री, मतलब मैं अपने स्कूल टाइम से सुनते आ रही हूँ कि हिस्ट्री को एक बार फिर से लिखा जाना चाहिए, इतिहास को फिर से नए तरीके से लिखा जाना चाहिए, और ये जैसी फिल्म या रजाकार जैसी फिल्म जब आती है तो ये उस वक्तव्य को, ये उस बात को कितना सपोर्ट करती है कि हिस्ट्री वापस लिखी जा रही है। See, Uri, Razakar and all these are very small aspects of our history. The amount of history jitna hai, pura dunya ko agar page by page agar pura phailate gaye to bhi utna usse jyada history apna hai. To aajkal ke bachchon ko ye computer mein, mobile mein, WhatsApp ya social media mein aake, they have limited themselves to their own standards of living. But very unfortunate that they are unable to look at the past. सो वो पास्ट को ऐसा ही एक एक बार जगा जाता है सिनेमा के जरिया या कोई नाटक का कोई स्टोरी कोई बुक के जरिया। तो मैं सोचा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस देश में, क्योंकि ये एक राजा, एक पर्टिकुलर मजहब का आदमी और उसी का प्रजा के ऊपर उन्होंने फोर्सफुल करके मजहब बदलने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा, सबसे अल्टीमेट हिस्ट्री ये है, इस देश वालों को जानकारी होना चाहिए, वो है रजा का पक्का। और बस बाकी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, किंग्स है, बहुत सारे हैं, उनके ऊपर स्टोरीज या सिनेमास, नाटक या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत से आ रहे और आगे भी आएंगे बहुत सारे चीज़ें। हमारा भी ऊपर जिम्मेदारी है। आई विल ऑल्सो बी कंटिन्यूइंग माई प्रोफेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, बिकॉज वंस आई गॉट अटैच टू दिस आई एम अनएबल टू फॉरगेट दैट, यू नो आई लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज इट कैन कीप मी एक्टिव एज आई एम टुडे 62 इयर्स। अदरवाइज आई विल बी लिविंग सेडेंटरी लाइफ, ओके आई एम डन, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। No, I want to be active, then I'll be roaming around the whole country and the world again and again. So I would like to bring it to the notice of my countrymen and also the world. Thank you. Hello, Narayan Reddy ji, here you. I am Ramesh Rao from the Daily Charcha magazine. Sir, first of all, congratulations to you. Thank you, sir. आप हमारे young generation को इस इतिहास के बारे में बता रहे जो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया है. So, and what I am saying, it's very nice. Is this, since it is a patriotic film also you can call it, so is there a songs which are with patriotic words, aisa kuch aapne back songs yes, are there? Yes. See, the unsung heroes of the Nizam princely state, they belong to the common people, the peasants, ordinary peasants have revolted against his own king, and they were supported by Arya Samaj, they were supported by communists, they were supported by Congress, they were supported by Vedic Sangs, they were supported by many other organizations. We have paid tributes in the form of a song at the end of the movie. Jab end hota na, jo apan bahar niche se upar aa rahe the, ek gana sun rahe the. That song is dedicated to those people, all those people, and the unsung heroes. And one more thing, after this movie is produced and released, government of India also took a very major decision. That is, bringing out a gazette which states that government of India henceforth will celebrate the liberation of Hyderabad officially. That is on 17th September every year. Government of India is going to celebrate, because it's a Government of India's achievement. At that time, Sardar Vallabhbhai Patel was the Deputy Prime Minister and also the Union Home Minister. He took the responsibility as a Union Home Minister, Gruhmantri hone ke naate. Unhone ye
लिबरेशन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंगिंग आउट विद वन ब्यूटीफुल लाइन व्हिच स्टेट्स दैट द प्रेजेंट डे जनरेशन हैव टू बी नोटिफाइड अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ द अनसंग हीरोज सो दैट दे कैन पे होमेज एवरी ईयर टू दोज डिपार्टेड सोल्स ऑन द 17 सितंबर सो दिस इज द इसका महत्वपूर्ण अंडरलाइनिंग पॉइंट ये है कि 17 सितंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो richest province, richest country, richest king in the universe और आज the most beautiful climate हैदराबाद का है आप कहीं भी जाओ अगर हैदराबाद को आए तो हैदराबाद का खाना पानी और वहाँ रहने का अगर आदत हुई आप कहीं नहीं जा सकते तो सर लेकिन एक ही गाना रखा आपने एंड में ये उनके लिए डेडिकेटेड टू द अनसंग हीरोज इन द फिल्म और बीच में तीन गाने हैं बहुत अच्छे गाने हैं वो भी गायक कौन कैलाश खेर जी और शंकर महादेवन जी है और हमारे पास एक तेलुगु में एक सिंगर है मोहना भोगराजू आप कभी कोई सुने होंगे सोशल मीडिया में बुलेट टू बंडी बोल के बुलेट टू बंडी एक ऐसा एक गाना है वो वेरी फेमस सिंगर क्वालिटी वाइज आई एम टेलिंग यू नो नो राजमौली नो प्रभास इट हैज द सेम क्वालिटी एज बाहुबली बिकॉज इसमें सी जी भी हमने 7-8 करोड़ रुपए खर्च किए क्योंकि यू हैव टू ब्रिंग बैक दैट 1946-47-48 पैलेसेस बंगलोज पीपल एंड ऑल दैट दैट ड्रेसिंग आप परेशान इसके वजह में ऐसा भी हो कम से कम 700 यूनिफॉर्म्स है हमारे पास मिलिट्री के और उस जमाने के पुलिस के 700 900 ऑर्डिनरी पेजेंट्स के जो धोती और शर्ट और बनियन रहता था उस जमाने में सी के पहनते थे ऐसा हमारा स्टॉक तो ऐसा हो गया आज एक कंटिन्यूसली हम सिनेमा निकालते जा सकते हैं हिस्टोरिकल सिनेमा उतना बंदूकें कितने हो गए हमारे पास 300 बंदूकें हो गए तो ऑल इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड आई डोंट बिलीव इन हायरिंग सर अपने पास रहना है स्टॉक में कैप्टिव में रहना है हर एक प्रोडक्ट अपना बोल के ऐसा तैयार करे सर वेरी गुड सर बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एंड राज जी मेरा सवाल आ रहा है मैं आपके पास अजय राज जी आपका इम्प्रेशन बड़ा अच्छा लगा हमें बहुत अच्छा पड़ा थैंक यू सर और कहीं कहीं आप सदाम हुसैन साहब दिखते थे ऐसा कुछ कोशिश किया आपने कुछ अच्छा लग रहा मैंने जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मैंने यूट्यूब सबसे पहले आदमी यूट्यूब पे जाता है तो यूट्यूब पे सिर्फ एक ही स्पीच है इसकी कासिम रिज़वी की जब वो हैदराबाद वॉक करते हैं और सीढ़ी से उतर के बोलते हैं कि हैदराबाद तो ये बस इतना ही था हैदराबाद शब्द और मैं काफ़ी दिन तक उलझा रहा कि इस हैदराबाद शब्द से मैं कैसे सुर पकड़ूँ उसका और मुझे समझ नहीं आता था तो वो रोज़ सोचना चलता रहता था और क्या होता है कि साइकोलॉजी सोच को आपको उस लेवल पे जाना पड़ता है कि कोई आदमी कितना स्वार्थी हो सकता है कि अपना पर्पज़ सॉल्व करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा तो हिटलर सद्दाम हुसैन ये वो लोग हैं जो अपना एक खाका बना लिया इन्होंने लाइफ में कि मुझे ये चाहिए अब उसके बीच में जो भी आया उसको ख़त्म करना है तो इसी फिल्म में आप देखेंगे कि कुछ मुस्लिम्स हैं जो मेरे फेवर में नहीं हैं बट मैंने उनको भी नहीं छोड़ा कि ये मुस्लिम है मेरा भाई ऐसा नहीं मेरा मोटो क्लियर था कि जो भी इस मुस्लिम राज्य को बनने में मुझे तकलीफ देगा मैं उसको ख़त्म करूँगा तो वही साइकोलॉजी मैं डेवलप करता रहता था इस बीच में जो मेरा अपना एक एक्टर होता है एक इंसान होता है वो सबकॉन्शियसली कई बार आ जाता था और मैं सोचता था कि इतना कूल कोई कैसे हो सकता है तो मैं इनके पास पहुंच जाता था कि सर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर वो साइकोलॉजी मुझे पीछे रखनी पड़ती थी जो हमारा एक होता है ना सबकॉन्शियस की यार इसको हटाओ यहाँ से अदरवाइज हम वो कन्विक्शन ला नहीं पाएंगे तो वो एक्सट्रीम लेवल पर सोच को लेके जाना होता है सर बहुत अच्छा एंड अनु जी आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके रोल में कुछ लगता है कि लिमिटेशंस आए तो आपने कैसे हैंडल किया कुछ रोल के बारे में बताइए रोल के लिमिटेशंस रानी महारानी जी यही मेरे लिए एक चैलेंज था बिकॉज आई फेल्ट एज अ पर्सन आई एम वेरी आउटस्पोकन वेरी क्लियर इन माय माइंडसेट बट दिस कैरेक्टर एक महिला जो 1947 में है बीइंग द वाइफ ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन बट स्टिल शी वॉज सो हेल्पलेस कि उनको दिख रहा था कि अपने प्रोविंस में स्पेशली वुमेन के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है तो टाइम एंड अगेन शी वॉज ट्राइंग टू टेल दिस निज़ाम और शी वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग मोर अवेयरनेस लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था तो दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग एक्सपेक्ट फॉर मी कि मैं खुद इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होके दिस कैरेक्टर वॉज वेरी अपने इमोशंस में बहुत सबलाइन थे तो मेरे को अपने इमोशंस बहुत ही नॉट सो इन अ डोमिनेंट वे मैं नहीं ला सकती थी तो ये मेरा रोल मोस्टली रहा है इसमें
सप्रू साहब आपका बहुत बढ़िया ब्रेक होने जा रहा है सर, सर, तो कुछ, कुछ आप इस रोल के बारे में कुछ कहिए हमारे को जी सॉरी सप्रू साहब से मैं कह रहा हूँ आपका तो सवाल जवाब आपने दे दिया बड़ा हाँ जी बाजी बोलिए बहुत बढ़िया ब्रेक आपको मिला है जी मानता हूँ आप पहले भी कह चुके हैं इस रोल के बारे में कुछ और कहिए रोल के बारे में और तो यही कह सकता हूँ कि इससे बड़ा मौका मुझे पॉजिटिव रोल करने का कभी नहीं मिला और हाँ मतलब जिस कैरेक्टर को आप आइडलाइज करते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सबके अलग अलग आइडल्स होते हैं मेरे आइडल यही थे तो जब इन्होंने मुझे बुलाया वहाँ कि ये रोल करना है तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं थी इसलिए मैं 3 बार गया वहाँ और मैंने काफ़ी प्रोस्थेटिक्स मेरा मेकअप के लिए 2 घंटा लगता था मतलब टीथ का नाक का रिंकल्स का बट वो 2 घंटे मेरे लिए एक लेसन था पेशेंस का और शायद वो लुक आपको नज़र आया होगा और इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी हर चीज़ में हर सीन में डिस्कस करते थे हम तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 300 से ऊपर फिल्में हैं 13 भाषाएं ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट रोल्स है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा और आप ज़रूर लिखें जैसा आपको लगा है जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया है कि अच्छा है आपको लगा तो ज़रूर लिखिएगा थैंक यू सो मच जी आप कुछ पूछ रहे थे माइक तो गया आप आ जाओ बहुत सारी चीज़ें अब उसमें सीखा मोस्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर के साथ स्क्रीन प्रेजेंस कैसे मेंटेन करना कैसे पेशेंस रखना कि सुबह 6 बजे से 3 घंटे मेकअप करने के बाद आप पूरे दिन वेट करते हैं और कितने दिन वेट करते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे एज एन एक्टर जो डेली जो फेस करते हैं कि स्क्रिप्ट में बहुत बार चेंजेस होते हैं कि लास्ट मिनट होते हैं तो आप अपने एक्टिंग में क्या सुधार कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑन सेट रह के आप सीखते हैं बट आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मकरन जी वॉज वेरी सपोर्टिव विथ मी बहुत उन्होंने टिप देते रहते थे राज सर से मैं आई जब भी उनके सेट में पहुंचती थी उनसे पूछते रहती सर और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या उनसे कर तो दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर मी एंड उनसे बहुत कुछ मुझे प्रेरणा मिली आगे काम करने में मैं हमेशा याद रखूँगी इन्होंने जो सिखाया है ये मेरी अपील यूथ से ही मेन यूथ से ही है क्योंकि मुझे भी या हमें किसी को भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता था और लेसन क्या लेना चाहिए कि कैसे ग्रीड और पावर अपोजिशन के लिए आप इतने लोगों की आपने हत्या कर दी फोर्सफुल कन्वर्जन्स हुए लोगों की दे वर रॉब्ड ऑफ देयर डिग्निटी तो आप ये पावर और ग्रीड के लिए यू कैन नॉट कैन नेवर डू दिस तो ये हमें इसी इस मूवी से मिलेगी एंड आई होप यू टेक द लेसन फ्रॉम इट एंड लर्न फ्रॉम इट because history so that history never repeats itself thank you so much ladies and gentlemen for being here and being a part of this press meet itni jaldi push up sabhi ko meri taraf se pranam sir aur mera sawal jo hai director sir se hai ki razakar jo movie hai uske andar starting to end tak is process ke andar aapko kahan aisa laga ki yaar मतलब सबसे ज्यादा समस्या आपको महसूस हुई कि यार इस सीन के अंदर सबसे ज्यादा मतलब समस्या है एक सीन नहीं फुल मूवी फुल मूवी ये बड़ा हिस्ट्री है 224 इयर्स का हिस्ट्री है वो एक सीन कम एक सीन बड़ा ऐसा नहीं रहता फुल मूवी में आप ट्रिप करना बोल तो भी मुश्किल हो रहा है ये नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ना बोल के समाधान ढूंढ लिया और बना डाली ये फिल्म जिसको इतना सारा प्यार मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग ऑल दिस हम सब के संग थैंक यू सर थैंक यू सो मच प्लेजर आई थैंक ईच ऑफ यू द मीडिया फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स थैंक यू वेरी मच कर लेना वी विल डू अ क्विक फोटो ऑफ राइट विद द एंटायर टीम और फिर सोलो फोटो खींचने से पहले विशाल नीचे तो बैठो